आज टॉप 10 पेश कर रहा है। जानिए क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए बहुत मायने रखता है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्व का दिन है, जिसे हम बेहद ही उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत एक महान देश है और सिर्फ भारत में ही विविधता में एकता देखने को मिलती है, जहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसे राष्ट्रीय दिवस हैं जिन्हें हर भारतीय खुशी और उत्साह के साथ मनाता है। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया था और भारत दिन पूर्ण गणतंत्र देश बना। भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इस दिन भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया था। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें 26 जनवरी के दिन याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल टॉप 10 को सब्सक्राइब करना न भूले।